नमस्कार। मोबाइल न्यूज 24 की टीम बिहार का चुनावी सर्वे करते करते फिलहाल मोतिहारी में पहुंच चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी ने चंपारण से ही सत्याग्रह का शुरुआत किया था, और हमारे साथ मौजूद हैं एक पुराने गांधीवादी, जिले में गांधीवादी के नाम से इन्हें लोग जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सक्रिय रहते हैं समाज में, नाम है इनका राय सुंदरदेव शर्मा। और इनसे हम जानेंगे, जिस जगह पे हम अभी मौजूद हैं गांधी स्मारक में, इसका, इस जगह का गांधी के स्मृति के रूप में क्या भूमिका है। जब गांधी जी मोतिहारी आए तो जिलाधिकारी ने उनको जिला छोड़ने का आदेश कर दिया। रास्ते में उनको मिला पट्टी जसोली जाने के क्रम में, वहाँ से वो लौट के आए और कल होकर के वो यहाँ, यही एसडीओ का कोर्ट था, यही जो जगह है यही एसडीओ का कोर्ट था, उस कोर्ट में वो प्रोड्यूस हुए। और उन्होंने जो ऐतिहासिक बयान दिया है अपना, यहाँ अंकित है वो बयान, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं आपके कानून की अवहेलना करूं, आपके आदेश की अवहेलना करूं, लेकिन मैं बाध्य हूं आपके आदेश को मानने से, इसलिए कि मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वो कार्य बहुत जरूरी है और उसकी जानकारी लेने का मुझको हक है। मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता, आपको जो सजा देनी है हमको दीजिए। और यही वो सुनवाई हुई थी और लोगों की भीड़ ऐसी जमा हो गई, किसानों की हजारों की तादाद में उस समय किसान यहाँ जमा हुए और वो घबरा गए लोग। उन लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि कोई ऐसा आदमी भी आएगा जो इस तरह ललकार के कहेगा कि हम आदेश को आपके नहीं मानते, आपको जो बुझाए सो कर लीजिए। और यही सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने इसी स्थल से की थी, और बाद में डीएम ने और ऊपर से अधिकारियों ने लेकर के उनके ऊपर से मुकदमा हटा दिया गया और उनको यह परमिशन दी गई कि आप जा करके किसानों के देखिए, उनके हक की बात सुनिए। और उन्हें सुनी और लंबे समय तक ये लड़ाई को उन्होंने यहीं से लड़ी और अंत में जीतने के बाद ही यहाँ से वो गए। तिनकटिया प्रथा उन्होंने समाप्त करवाई। यह स्थान जो है वह भारत के इतिहास में, आज़ादी के इतिहास में यह स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला यह स्थल है जहाँ से आज़ादी की शुरुआत की, वो सत्याग्रह जो सत्याग्रह बनी वो इसी यहीं से शुरुआत हुई थी और गांधी के द्वारा हुई थी। अच्छा, इसलिए यहाँ ये जो जगह है गांधी स्मारक के रूप में जाना जाता है। इस गांधी स्मारक का निर्माण कब हुआ था, क्यों किया गया, किस कारण से किया? गांधी जी का चूंकि इससे बड़ा कोई यादगार हो ही नहीं सकता था इस जिले में, तो गांधी जी की सुनवाई यहाँ हुई थी, यहीं से सत्याग्रह की, इसी स्थल से सत्याग्रह की शुरुआत हुई, इसलिए यहीं पर गांधी स्मारक का निर्माण किया जाए ये तय हुआ। यह बना है 84 में या 83 में, ये उस समय इसका निर्माण हुआ है। ये जो हमारे देश की जो आज चुनाव की जो परंपरा दिख रही है, इसमें ऐसा दिख रहा है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार चाहे निर्दलीय हो या किसी पार्टी से हो, लेकिन पैसे का बोलबाला दिखता है। और एक तरफ हम जब बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी के कार्यों में रचनात्मकता दिखती है, और चंपारण के लोग, खास करके चंपारण में जो गांधी के कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ के लोगों में भी वो रचनात्मकता नहीं दिखती है। एक चुनाव को लेकर भी यहाँ के लोगों में भी देखा जाता है कि पैसे की जो बोलबाला है पूरे देश में, हर जगह दुनिया में, वो लगभग यहाँ भी दिखती है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, गांधी के सपनों का भारत, वो तो आज़ादी के बाद से ही उसकी हत्या शुरू हो गई थी केंद्र सरकार के द्वारा ही। उन्होंने जो कल्पना किया था कि गाँव का देश होगा, गाँव का विकास होगा, गाँव के लोग स्वावलंबी बनेंगे, और सरकार आते ही उन्होंने शुरू किया कि नहीं, हमको यूरोप की तरह बनना है, हमें औद्योगिकरण करना है, हमें बड़े बड़े शहर बनाने हैं, और इस योजना के तहत, इस सोच के तहत पूरे गाँव को उन लोगों ने उजाड़ दिया। पूरा गाँव हमारा उजाड़ हो गया, वीरान हो गया, और आज लोग दर दर को भटक रहे हैं।
तो गांव में भी आज दिख रही है। मैं पिछले कुछ महीनों से यहां लगातार हूं चंपारण में, और यहां भी मैं देख रहा हूं कि गांव में भी जो छोटे छोटे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनका दायरा उतना होना नहीं चाहिए था, वो भ्रष्टाचार इस तरह से दिखता है कि लगता है कि जहां रचनात्मकता से काम ली जा सकती थी, वहां भी दिखता है कि थोड़े से पैसे आए और उसमें भी लोट खसोट ऐसा दिखाई देता है। मैं वही बता रहा था आपको कि शुरुआत ही इसी ढंग से की गई और शुरुआत करके इस ढंग से समाज का निर्माण कर दिया गया है कि अब पैसा ही सब कुछ है। और पैसा किसके पास होगा? अपराधियों के पास, लुटेरों के पास, भ्रष्टाचारियों के पास। और जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो उतना पैसे वाला है, और आज नौकरी से रिजाइन कर करके और MLA MP बन रहा है, मंत्री बन रहा है, और पूरा समाज जो है एक तरह से नहीं तो समाज की जो ये सोच बनी है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो खास करके गांधीवादी लोग होते हैं, गांधीवादी लोग जो हैं उनकी भी भूमिका होती है कि वे समाज के सोच में परिवर्तन करें, रचनात्मकता के प्रति समाज के लोगों को आकर्षित करें। तो क्या मानेंगे आप, ये अपनी विफलता मानेंगे इसे? हम यह मानेंगे कि गांधी के विचारों की हत्या की जा रही है। हम भले कितना हूँ बात कर ले गांधीवाद की, लेकिन गांधी के आदर्शों को, उनके चरित्र को, उनके आचरण को हम भी नहीं उतार पाते हैं अपने आप में, और यही ढोंग जो है वो गांधीवाद को समाप्त कर रहा है, और यहाँ ये आतंकवाद और भ्रष्टाचारवाद पनप रहा है। हम लोग निराश हैं इससे। कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का जो दौर है उसका भी असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि पैसे का जो बोलबाला है, भौतिकता चारों तरफ इस कदर हावी हो चुकी है कि लोग विचारों को समझना नहीं चाहते हैं। जो चीज़ें हैं आँख के सामने आ जाए उसे देखना चाहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े रैली, और इसमें लोग जो है इसी के आधार पे ये दिख रहा है कि अपना जो एक विचार बना रहे हैं कि हमें किसको वोट करना है। तो क्या ये आप अगर गांधी के जमाने में ऐसा हुआ होता तो गांधी अपनी लड़ाई लड़ते इसके खिलाफ, लड़ाई लड़ते वो निश्चित रूप से जगते। दुर्भाग्य है इस देश का कि दूसरा कोई गांधी नहीं मिला। एक मिले भी जयप्रकाश जी तो 74 के आंदोलन में, 74 का परिवर्तन का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन खड़ा किया, जन जन को जागृत किया, लेकिन उन्हीं के चेले चपाटियों में जिस तरह गांधी के चेलों ने आकर के इस पूरे देश की व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया, इनके भी चेलों ने बिहार को भ्रष्ट कर दिया। दुर्भाग्य है इस देश का। चुनाव अभी चल रहा है, कुछ विधानसभा में चुनाव हो गए हैं मोतिहारी के, और कुछ में होने वाला है। आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या सोच के मतदान करें ताकि आने वाला 5 साल जो है अच्छा हो? देखिए, हम तो यही कहेंगे लोगों से कि अच्छा व्यक्ति चुनिए, जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसके विचार अच्छे हों, जिसके काम अच्छे हों। अच्छा आदमी जाएगा तो उसकी सोच अच्छी होगी, अच्छा काम करेगा। ये लुटेरे लोग जीत के जाएंगे तो और लुटेरा पैदा करेंगे। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि अच्छे प्रत्याशियों को चुनिए। अगर कोई अच्छा नहीं है तो आप नोटा को वोट करिए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए कि नोटा को जिस तरह से महाराष्ट्र में एक जगह और यह दिया गया है, खास करके वो निकाय चुनावों में, कि वहाँ अगर नोटा का वोट इतना अधिक हो जाता है कि उसे कम मार्जिन से कोई जीत रहा है तो उस इलेक्शन को कैंसिल किया जाए और उस प्रत्याशियों पर को बैन किया जाए। सभी प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी हैं सबको बैन किया जाए, कि ये चुनाव लड़ने के हकदार भी नहीं है। हम यह अपील करते हैं भारत सरकार से कि यहाँ यह पूरे देश में इस ढंग के कानून बने कि नोटा को, अगर नोटा चुनाव के जीत हार से अधिक नोटा में वोट आता है तो उस चुनाव को स्थगित करके और चुनाव के सभी कैंडिडेटों को रिजेक्ट करके और नया चुनाव कराया जाए, इसकी हम मांग करते हैं। अच्छा, पंडित राजकुमार शुक्ला जी का यहाँ स्टैचू है, इनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखो, पंडित राजकुमार शुक्ला एक साधारण परिवार के किसान थे और किसानों के जो अत्याचार किसानों पर हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उससे बहुत व्यथित थे और ये उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इनका घर नीलाम कर दिया गया, इनका घर ढाह दिया गया, इनके पशु धन को लूट लिया गया, सब किया गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन ये हारे नहीं, हार नहीं माने, और कांग्रेस अधिवेशन में ये पहुँचे और वहाँ जा करके इन्होंने प्रस्ताव रखने की बात लोगों से की, कांग्रेस के नेताओं से, कि हमारे ज़िले में ऐसे ऐसे जुल्म अत्याचार हो रहा है किसानों पर, आप लोग इसको प्रस्ताव रखिए।
किसी ने इनको कहा कि तुम जाकर नया आए हैं गांधी, वो तुरंत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, उनसे मिलो, वो नया आदमी है, ओजस्वी है, उसे मिलो, जाकर उनसे मिले। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जानता ही नहीं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है कि गलत है, जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं प्रस्ताव नहीं रखूंगा। खैर प्रस्ताव दूसरे लोगों ने रखा, लेकिन गांधी ने इनको यह आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ चलूंगा। और उसके बाद ये लग गए या उनके पीछे दौड़ते, कलकत्ता गए, साबरमती गए, खोजते खोजते कानपुर गए, और इनको मजबूर कर दिया कि आप चले। और वो आए, बिहार आए, पहले पटना आए, वहाँ से मुजफ्फरपुर आए और मोतिहारी आए, और मोतिहारी में इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। अंदाज करिए कि एक दिन के आह्वान पर हजारों किसान, उस समय न टेलीफोन था, न कोई सुविधा थी खबर की, न कोई आवागमन का सुविधा था, लेकिन यह सुन के कि गांधी को गिरफ्तार किया गया है, हजारों की तादाद में किसान आए और अंग्रेज सरकार वहीं झुक गई। यह व्यक्तित्व था इस व्यक्ति का, और ये हम लोगों का पूजनीय है। यहाँ देखने को मिला जो नया था हमारे लिए, हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत सुना है नील की खेती के बारे में, नील सत्याग्रह के बारे में। आपने अभी हमें एक पौधा भी दिखाया, नील का जो पौधा है और उसका फली जो दिखाया आपने, नील सत्याग्रह के बारे में थोड़ा बताइए, यहाँ से उसका क्या एक जुड़ाव था? नील की खेती की शुरुआत, उस समय ये सिंथेटिक पेंट, ये कॉलर नहीं बनते थे, नील ही कलर का एक बेस था, इसी नील से जितने भी कलर बनते थे सब इसी बेस से बनाए जाते थे। तो सबसे पहले शुरुआत हुई बंगाल में नील के खेती, लेकिन वहाँ के बंगाल के लोग बड़े जुआरू थे, वहाँ उन लोगों ने लड़ाई लड़ी और वहाँ बंद हो गया, तो वो चंपारण में आ गए। चंपारण की जमीन मिट्टी भी देखते थे कि कहाँ की, तो यहाँ उन लोगों को लगी तो उससे अच्छी मिट्टी यहाँ की है, और इन लोगों ने किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवानी शुरू की और उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। यह कानून बना दिया कि हर आदमी को एक बीघा में से तीन कट्ठा खेत में जिसको वो चुनेंगे, तीन कट्ठिया प्रथा की शुरुआत की, उसमें वो नील बोया जाएगा। और उसमें इतना अत्याचार किसानों पर होता था, इतना जुल्म होता था उसको तैयार करने में, किसानों से बैल की तरह जोतवाया जाता था, उसको पिरवाया जाता था, और यह जुल्म अत्याचार किसानों पर हो रहा था। वही नील है, यह बाद के दिनों में इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, लेकिन उपयोगिता समाप्त होने के पहले ही यहाँ गांधी ने उस पर प्रतिबंध लगवा दिया, बारूद बनाने के काम में। अच्छा, आज भी नील की खेती कहीं ना कहीं की जाती होगी? नहीं, तो अब देखिए, अब क्या ऐसा है, देशद्रोही का मामला उस पर हो जाएगा। नील की खेती अब कहीं नहीं होती है, इसलिए कि नील से जो जमीन बन जाता था, कलर बनता था, वो बहुत महंगा था, लेकिन अब तो सिंथेटिक आ रहा है। तरफ जमीन भी से बंजर हो जाती है, तो जमीन तो होता ही था, और ये सिंथेटिक अब आ गया है कलर बेस, तो अब नील की कहीं जरूरत नहीं है। नील की अगर जरूरत है तो कपड़े में देने के लिए जरूरत है, वो भी सिंथेटिक है, बिल्कुल अब वो प्राकृतिक नील कहीं नहीं है, अब उसकी खेती हमारे समझ से दुनिया में कहीं नहीं, इंडिया में कहीं नील की, दुनिया में कहीं नहीं। एक जो आपको यहाँ की सबसे ऐसी चीज़ जो आपको दिल को छूता हो, या कोई ऐसी घटना जो यहाँ की सबसे अहम मानते हो आप, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग तो गांधी को और ये पंडित राजकुमार शुक्ला को नाम स्मरण होता है तो पूरा देह में ये रोमांच हो जाता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उतने जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का मैदान रखते थे, और आज हम लोग हैं, ये सारा जुल्म अत्याचार तारों चारों तरफ से हो रहा है, फिर भी हम सहने को मजबूर हैं, बोलते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं उसके खिलाफ। 74 के आंदोलन में हम भी मिसा में गए हैं, DIR में, इमरजेंसी में जेल में रहे हैं, लेकिन आज हम भी अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। उस समय बहुत लोग सुनता था हम लोगों की बात, आज कोई सुनने वाला भी नहीं है। अच्छी बात करिए तो लोग कहेगा कि तो पागल है, बेहूदा है, इसको कोई काम नहीं है। इस ढंग का वातावरण बन गया है, सामाजिक संरचना इस ढंग से बन गई। तो ये थे हमारे साथ मोतिहारी के जाने माने समाजवादी और गांधीवादी राय सुंदर देव शर्मा, जिनके विचार से आप रूबरू हुए, और मोतिहारी के धरती पर जब हम आए तो हमें लगा कि यहाँ गांधी के विचार के साथ और आज का जो चुनावी माहौल है, इस दोनों को समझने की कोशिश की जाए। और इसी क्रम में हम सबसे पहले गांधी स्मारक पहुँचे।